नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल ज्योग्राफी लेक्चर बाय लक्ष्मी नारायण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, पवन के कार्य। ज्योग्राफी के इस क्रम में देखते हैं हम कि पवन के कार्य, पवन के द्वारा कौन कौन से कार्य होते हैं, इनके द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है इत्यादि के बारे में विस्तृत वर्णन किए थे। पवन, पवन किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जान लीजिए कि वायु पृथ्वी पर विद्यमान गैसों के विशाल आवरण को वायु या वायुमंडल कहते हैं। वायु गैसों का मिश्रण होता है। जब यही वायु किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिमान हो जाती है, प्रवाहित होने लगती है या चलने लगती है, जब यही वायु गैसों का मिश्रण किसी एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर गतिशील हो जाती है तो उसे पवन कहते हैं। ये पवनें अपनी गतिमान अवस्था के दौरान धरातलीय भागों में काट छाट परिवहन और निक्षेपण का काम करती है। पवनें मुख्य रूप से अपने परिवहन के दौरान तीन प्रकार के कार्य करती हैं। पहला काम है अपरदन, दूसरा अपादित पदार्थों को परिवहन करती हैं, तीसरा निक्षेपण। अब जानते हैं कि हम अपरदन किसे कहते हैं। अपरदन का मतलब होता है किसी भी चट्टान को काटना। अपरदन का एक दल तो चाहे पवन हो, चाहे हिमानियाँ हो, चाहे सागरी लहरें हो, चाहे भूमिगत जल हो, चाहे नदियाँ हो, ये धरातलीय स्थलाकृतियों को ऊपर से काटती हैं, काट छाट का काम करती हैं, तोड़ फोड़ का काम करती हैं, तो उसे अपरदन कहा जाता है। अपरदन के बाद अपने द्वारा अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाती है, या यूं कहें कि ऊंचे स्थानों को काट करके निचले स्थानों की ओर ले जाती है। तो जब ले जाती है पदार्थों को तो उसे परिवहन कहा जाता है, और कहीं निचले स्थान पर ले जाकर के जमा करती हैं तो उसी जमाव को निक्षेप कहा जाता है। जब पवनें किसी धरातल को काटती हैं तो उसे अपरदन, जब किसी स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती हैं पदार्थों को उसे परिवहन कहते हैं, और किसी अन्य स्थान पर जमा कर देती हैं तो उसे निक्षेपण कहते हैं। अपरदन, वायु द्वारा अपरदन मुख्य रूप से तीन रूपों में संपन्न किया जाता है। पहला रूप है अपवाहन, दूसरा अपभाषण, तीसरा सन्निकर्ष। अपवाहन, जब पवन चलती है तो अपने क्षेत्र में जिस भी धरातल पर चलती है वहां अगर असंगठित पदार्थ पाए जा रहे हैं, टूटे फूटे पदार्थ पाए जा रहे हैं, इसमें चट्टाने पाई जाती हैं, चट्टानों की वजह से चट्टाने अपने मूल चट्टान से थोड़ा ढीली हो जाती है, तो उन्हें पवन अपने वेग से उड़ा ले जाती है। जैसे आप लोग देखे होंगे धूल उड़ते हुए, ये कहीं ना कहीं चट्टान से उड़ा करके ही ले गई है ऊपर। हो सकता है छोटे पदार्थों को ही उड़ाती है, बड़े पदार्थों का नहीं। अपवाहन पवन के वेग पर निर्भर करता है, पवन का वेग जितना बड़ा होगा उतने ही बड़े बड़े पदार्थों को उड़ाती है, जितना वेग कम होगा उतने कम पदार्थों को उड़ाती है, अर्थात धीरे बड़े पदार्थों को पवन ऊपर उड़ा ले जाती है। कभी देखिए बहुत तेज आंधी आती है, मंडल आता है तो खेतों में रखे हुए धान गेहूं के बोझ भी उड़ के चले जाते हैं, या टर्नेडो आता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, आप लोगों ने सुना होगा, तो वहाँ छतों घरों की छतें पंखे और खंभे तक बिजली खंभे तक आकाश में उड़ने लगते हैं, तो मिट्टी को उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। पवन यहाँ असंगठित पदार्थों को अपने साथ उड़ा
अकेले जाते हैं तो उसे अपवाहन कहते हैं। अपवाहन जब तक हवाएं चलती हैं, वेग से चलती हैं, तो कहीं ऊंचा धरातल है कहीं नीचा धरातल है, तीन धरातल को ये काटती रहती हैं, घिसती रहती हैं, कुरेदती रहती हैं, जिससे ये धरातल या आकृति विकृत होती जाती है, कटती जाती है, निचली होती चली जाती है, तो उसे अपघर्षण कहते हैं। जब पवने किसी धरातल को घिस देती है, घिस कर अपर्दित करती है, तो उसे अपघर्षण कहते हैं। संघर्षण जब बड़े बड़े पदार्थ आपस में अपर्दनकारी तत्व चलते हैं या इसके द्वारा उड़ाकर या घिसी कर ले जाया जाता है पदार्थ, तो ये पदार्थ आपस में भी टकराते रहते हैं। ये भारी है कम वेग से, ये हल्का है, हो सकता है इसमें टकराए, आपस में टकरा जाए, यहाँ दो चार इकट्ठे हो गए पता है, तीसरे दौड़ दौड़ आ रहा है, इसके वेग से घसीट के आ रहा है, घूमते हुए दौड़ते हुए आ रहा है, आपस में टकराते हैं, टकरा करके टूट जाते हैं। ये अपर्दन का एक तत्व आपस में जब टूट जाते हैं तो उसे संघर्षण कहते हैं। जब यही आपस में टुकड़े टकरा टकरा करके टूट जाते हैं तो उसे संघर्षण कहा जाता है। ये अपर्दन के रूप है। अब देखते हैं कि परिवहन, परिवहन भी तो हमें दो रूप से करती है, एक होता है उड़ाकर, दूसरा होता है लुढ़काकर। जिसे यहां बताया अपवाहन, ये तो अपर्दन का रूप था, लेकिन पौने जो उड़ा के ले जाती हैं, देखिए कभी आंधी चलती है, गर्मी के महीनों में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, तो धूल भरी आंधियाँ ही ये उड़ा करके लाए गए कण होती हैं, जो धूल होती हैं ये उड़ा कर लाए गए कण ही होती हैं। अतः पौने उड़ा कर भी चट्टानों को, चट्टानी पदार्थों को ले जाती है, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में या किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, जब पवन का वेग तीव्र होता है तो मिट्टी के टुकड़े भी इसके साथ लुढ़कते हुए नजर आते हैं। जैसे कोई ट्रक जा रही हो, देखिए रोड पे बहुत सारे टुकड़े लुढ़कते हुए नजर आते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे तो उड़ते ही हैं। तो इस तरह जब पवन के वेग पे डिपेंड करता है कि पदार्थ कितने बड़े बड़े लुढ़क सकते हैं, जबकि जमीन की सतह के सारे लुढ़कते हुए चलते हैं, धनंते हुए चलते हैं, तो उसे लुढ़काकर परिवहन कहते हैं, और कभी कभी उड़ा के ले जाते हैं तो उसे उड़ाकर परिवहन कहा जाता है। उड़ा करके और जमीन के सारे धंधा करके ले जाया जाता है, तो इसे परिवहन की संज्ञा दी जाती है। अब देखते हैं निक्षेपण। निक्षेपण मुख्य रूप से दो स्थितियों में होता है। एक स्थिति ये होती है कि पवन किसी पदार्थ को उड़ा के ले जा रही है, तो उसके मार्ग में पेड़ पौधे या किसी भी प्रकार का अवरोध, चाहे वो चट्टान हो, मकान हो, मेड़ हो, खाई हो, पर्वत हो, पठार आ गया रास्ते में, तो अपने पदार्थों को वहीं जमा करने लगती है। इसी के सहारे अपने पदार्थों को जमा करने लगती हैं, तो वो अवरोध के कारण, किसी अवरोध के कारण, चाहे वनस्पतियाँ हों, चाहे मकान हो, पर्वत पठार, कोई भी चीज हो सकता है, उसके अवरोध के कारण जब पौने अपने पदार्थों को जमा कर देती हैं, तो उसे अवरोध जनक निक्षेपण कहा जाता है। अगली स्थिति होती है कि पौने कभी तीव्र होती हैं, कभी धीरे धीरे वो शांत हो जाती है, उनका वेग कम हो जाता है, वेग कम हो जाता है तो लाए हुए पदार्थों को धीरे धीरे जमीन पर गिराने लगती हैं, और गिर जाता है तो एक बहुत बड़ा निक्षेप बन जाता है, बहुत बड़ी परत बन जाती है, लाए हुए पदार्थों का जमाव बन जाता है, जिसे निक्षेपण कहेंगे। अर्थात ये वेग कम होने की वजह से निक्षेपण होता है, और अवरोध कम होने की वजह से, दो स्थितियों में पौने निक्षेपण का काम करती है। अब पौने अपर्दन, अब ये तो हुआ कि अपर्दन के रूप, परिवहन के रूप और निक्षेपण के क्या रूप है, लेकिन पवनों के द्वारा अपर्दन के द्वारा कुछ अस्त्रकृतियों का निर्माण किया जाता है, और कुछ निक्षेपण के द्वारा भी अस्त्रकृतियों का निर्माण होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अपर्दन के द्वारा बनी हुई कौन कौन सी अस्त्रकृतियां। जब पवन किसी धरातल पर
पढ़न का काम करती है, काट छाट का काम करती है, तो वहाँ विशेष आकृतियाँ बन जाती हैं, उन्हें अपरदनात्मक आकृति कहा जाता है। अपरदनात्मक आकृतियों में जीव के वात बेसिन, भू स्तंभ, इनसेल्वर, छत्रक शिला, प्राकृतिक कुल, यार्डंग, जालक शिला। अब देखते हैं क्या कि जीवगेन क्या होता है। जीवगेन या जीवगेन किसे कहते हैं? जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में किसी कठोर परत के नीचे, या यूं कहें कि कठोर पतली परत के नीचे कोमल चट्टाने पाई जाती है, तो ये कठोर परत तापमान की भिन्नता की वजह से, कभी गर्मी कभी ठंडी की वजह से चट्टाने फैलती सिकुड़ती रहती हैं, इससे इनमें चट्टान पड़ जाती है। किसी कारण बस इसमें चट्टान पड़ जाए या टूट फूट की क्रिया हो जाती है, तो कोमले यहाँ तक प्रवेश करने लगती है, तो ये कोमल चट्टानों को क्या करती है? उड़ा ले जाती है। तो इस कठोर चट्टान जहाँ भी दरार बन गया, गड्ढा बन गया, टूट फूट हो गई, तो इसके नीचे की मिट्टी आराम से उड़ने लगती है। तो यहाँ पर विशेष प्रकार के गड्ढे बन जाते हैं जिन्हें जीवगेन कहते हैं। कठोर चट्टानों के बीच बीच में दरार पड़ने की वजह से उसका आंतरिक भाग में कोमल चट्टानें उड़ा ले जाती हैं, तो इसकी आकृति दवात के नुमा बन जाती है, जिसे जीवगेन कहते हैं। वात बेसिन, वात बेसिन, वात बेसिन देखते हैं। जब किसी कोमल चट्टान के क्षेत्र में, कोमल चट्टानों का क्षेत्र है, वहाँ हवाएं फूटते गति से चलती हैं, कहीं भंवर के रूप में किसी के रूप में, तो जगह जगह की मिट्टी को उड़ा ले जाती है। जब कहीं की मिट्टी उड़ा ले जाती है, इसे बेसिन कहते हैं। बेसिन उच्च स्थानों के मध्य निचला भूभाग बेसिन कहलाता है। उच्च स्थानों के बीच में निचला भूभाग बेसिन कहलाता है, चाहे वो पर्वतों के बीच में हो, धरातल समतल के बीच में हो, जैसे समतल के बीच में एक तालाब होता है वो भी बेसिन होती है, पर्वतों के बीच में झील होती है, या नदियां पाई जाती हैं, घाटियों की, ये सब बेसिन के उदाहरण, समुद्रों में भी बेसिन पाए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ कुछ गहरा स्थान बन जाता है, पवनों के उड़ा ले जाने के कारण जगह जगह कुछ गड्ढे बन जाते हैं, जैसे कटोरी नुमा, तस्तरी नुमा गड्ढे बन जाते हैं, या काफी कुआं नुमा भी गड्ढे कभी कभी बन जाते हैं। तीन सभी कोमल चट्टानों के क्षेत्र के पाए जाने वाले गड्ढों को, जो कि वायु द्वारा बनाए गए हैं, वायु कौन मिट्टी को उड़ा ले गई है, तो गड्ढे बन जाते हैं, इसे वात बेसिन। वात माने हवाओं के द्वारा बनाया हुआ बेसिन, वह बेसिन जो हवाओं के द्वारा बनाया होता है, कोमल चट्टानों के क्षेत्र में हवाएं वहाँ की मिट्टी को उठा ले जाती है, जगह जगह गड्ढे नुमा आकृति बन जाती है, जिसे वात बेसिन। इसमें यह अंतर है कि यहाँ कठोर चट्टान के नीचे पाई जाती है और यहाँ केवल कोमल चट्टान पाई जाती है, अंतर इतना है। भू स्तंभ, इतना जान लीजिए कि पवनों के द्वारा बनाई हुई जितनी भी स्थलाकृतियां हैं वो अस्थायी नहीं होती, कुछ समय के लिए बनती हैं और कुछ समय में नष्ट हो जाती है, कुछ समय के लिए रहती है बाकी फिर बनती बिगड़ती रहती है। मान लीजिए कठोर चट्टान के ऊपर अब ये इधर से उड़ा ले गई, इधर से उड़ा ले गई, धीरे धीरे उड़ा ले जाई जाती है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ कुछ ऊंचा ऊंचा उठा होगा, ये गहरा और गड्ढा हो जाता, इधर गहरा गड्ढा हो जाता, तो ऊंचा उठा भाग दीजिए। देखिए जब कठोर चट्टानों के नीचे कोमल चट्टाने पाई जाती हैं, या यूं कहें कोमल चट्टानों के बीच बीच में जगह जगह कठोर चट्टाने पाई जाती हैं, तो पौने कोमल चट्टानों को उड़ा ले जाती है, लेकिन कठोर चट्टानों के नीचे की मिट्टी नहीं उड़ा पाती है, इसका दबाव पड़ा रहता है, इसके वजह से नीचे की चट्टान नहीं उड़ पाती है, बाकी हर तरह की चट्टानें उड़ जाती हैं। तो ये
प्रति जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिक गिर जाएगा। उस समय के लिए खंभन खड़ा रह जाता है, जिससे इसे भू स्तंभ कहते हैं। इनसे जब कभी ऊपर चट्टानों के क्षेत्र में यत्र तत्र कठोर चट्टानों के टीले पाए जाते हैं, चाहे वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बनी हुई चट्टाने हों या दबाव के कारण या चूना पत्थर का क्षेत्र होने के कारण जगह जगह कठोर टीले पाए जाते हैं, तो होता क्या है कि पवन रूमल चट्टानों को तो उड़ा ले जाती है, लेकिन आंतरिक भाग में कठोर चट्टान टीले के रूमा दिखाई देते हैं। यही टीले अपाटित क्षेत्र में ये टीले दिखाई देते हैं। इन्हीं कठोर टीलों को इनसे बर करते हैं। कोमल चट्टानों के क्षेत्र में कठोर चट्टाने पाई जाती हैं, तो पवने कोमल चट्टानों को उड़ा ले जाती हैं और कठोर चट्टाने ऐसे खड़ी रह जाती हैं, तो यही कठोर चट्टाने इनसे बर के नाम से जानी जाती हैं। छत्रक शिला, मैंने अभी पहले बताया कि ये चट्टाने हमेशा बनती बिगड़ती रहती हैं, स्थायी नहीं होती हैं, तो ये टीले भी पवनों के वेग के द्वारा इसका निचला भाग धीरे धीरे काट दिया जाता है, क्योंकि निचले भागों में भारी पदार्थ उड़कर चलते हैं, तो निचले भागों का वर्धन ज्यादा करते हैं, तो ये इसके निचले भाग कटते रहते हैं। यही इनसे बल का निचला भाग जब कट जाता है, ऊपर भाग मोटा बीच का पतला हो जाता है, इस तरह से जैसे मशरूम देखे होंगे, छतरी देखे होंगे, छाता, निचला भाग पतला होता है, ऊपर भाग मोटा होता है, इस तरह से जब आखिर बन जाती है कि ऊपर मोटा हो जाए और नीचे पतला हो जाए, तो ऐसे इनसे वर्ग को छत्रक शिला के नाम से जाना जाता है। सारा के मरुस्थल में से गारा के नाम से भी जाना जाता है। ये तो हुआ छत्रक शिला। अब कहीं चट्टाने अवरोध के रूप में खड़ी है, इधर से हवा आ रही है, इधर से इधर समानांतर पता चल रहा है विपरीत दिशा में संपूर्ण स्थिति में कोई चट्टान खड़ी हुई है, कोई पर्वत श्रेणी है, पौने इस पर्वत श्रेणी को धीरे धीरे काटती रहती है, कभी पूरब से हवा आ रही है, कभी पश्चिम से आती है, तो दीवार के रूप में जो खड़ा हुआ पर्वत है, पठार है, जो कुछ भी है, कटक है, उसको पौने काटती रहती है, कभी पश्चिम से आती है, कभी पूरब से आती है, या आमने सामने से आती रहती है, तो इसे काट काट करके इस तरह बना देती है कि एक स्थिति ऐसे आ जाती है कि जगह जगह उसमें छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र हो जाएंगे, कटता रहेगा कमजोर हो जाएगा, अब इधर से हमारे आर पार होने लगती है, तो उसमें जगह जगह छिद्र पाए जाएंगे, तो जाल नुमा बन जाता है, एकदम जालीदार होकर, तो इसे जालक शिला कहते हैं, यही जालक शिला कहलाता है। लेकिन धीरे धीरे जब इसका आकार और बढ़ता जाएगा ऐसा मालूम होगा कि अब जैसे रास्ता बन गया हवा का, कोई भी आ जा सकता है, इस तरह बन जाएगा, पुल की तरह बन जाएगा, इससे साधन आ जा सकते हैं, आदमी आ जा सकते हैं, हवाएं आ जा सकती हैं, तो इसे प्राकृतिक पुल कहेंगे। पुल की नमो होने के कारण, पुल प्रकृति के द्वारा बनाए होने के कारण इसे प्राकृतिक पुल कहेंगे। पहले जालक शिला बनेगी, फिर प्राकृतिक पुल बन जाएगा, ये अकाल फिर कालांतर में बहुत दिन के बाद ये पूरा टूट करके गिर जाएगा। यार्डन देखते हैं, कभी कभी कठोर चट्टानों के क्षेत्रों में, कठोर चट्टाने यहाँ कोमल चट्टाने पाई जा रही है, कहीं बहुत सारी कठोर चट्टाने पाई जाती है, कठोर चट्टानों के क्षेत्रों में कोमल चट्टाने पाई जाती है, तो पौने अपने वेग से जल्दी से कोमल चट्टानों को उड़ा ले जाती है। जब कोमल चट्टानों को उड़ा ले जाती है, तो जगह जगह गड्ढा बन जाता है, कोमल चट्टाने उड़ गए तो उसका खाली भाग गड्ढे के रूप में बना रह जाता है, कोमल चट्टानों
कठोर चट्टानों के क्षेत्र में कोमल चट्टानें पाई जाती हैं और कौन है उस कोमल चट्टानों को उड़ा ले जाती हैं, तो कोमल चट्टानों का एक क्षेत्र गड्ढा बन जाता है, गड्ढे में दिखने लगता है, तो उसे यार्डंग कहते हैं। कठोर चट्टानों के बीच में कोमल चट्टानें पाई जाती हैं, इन्हीं कोमल चट्टानों को पवन उड़ा ले जाती हैं, उड़ाने से जो गड्ढा बन जाता है उसे यार्डंग के नाम से जाना जाता है। ये किसी भी रूप में हो सकता है। ये तो रहा अपादनात्मक अस्त्र की क्रिया। आप देखते हैं हम कौन के द्वारा कौन कौन से निक्षेपणात्मक अस्त्र की क्रिया है, उनके जमा के द्वारा कौन कौन अस्त्र बनते हैं, उसको ये निक्षेपणात्मक अस्त्र की क्रिया हमारी हुई है। निक्षेपणात्मक अस्त्र की क्रिया में बल का स्तू बखान अंतरस्तु अनुदय लुटेन नेवखा और संप्राय मैदान। अब इसको हम लोग जानते हैं क्या ये क्या है। बल का स्तूप जब पौने चलती हैं, किसी एक निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, विशेष करके मरुस्थलों में, तो बहुत सारी मिट्टी उड़ा के ले जाती है, जहाँ जहाँ जाती हैं ये उड़ाती चली जाती है। लेकिन कहीं कहीं इसका वेग धीरे धीरे कम होने लगता है, क्यों कहीं कहीं अपने मिट्टी का जमाव करने लगती है, किसी विशेष स्थान पर मिट्टी का जमाव करने लगती है, तो बड़े बड़े टीले बन जाते हैं, कई किलोमीटर के, दस दस पंद्रह पंद्रह किलोमीटर के लंबे ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं, तो उन्हें बलका स्तूप कहते हैं। इनका ढाल पवन की दिशा की ओर, पवन की विपरीत दिशा की ओर ढाल होता है, मध्य में ऊंचा होगा और जिधर से पवन आती है और जिधर को पवन जाती है, दोनों की तरफ ढाल क्या होता है, तीव्र होता है। ऐसे स्तूपों को बल का स्तूप कहते हैं। बरखा पवन पदार्थों को उड़ा के ले जाती है, कहीं पर जलाशय मिल गए, जलाशय मिलने पर वहां पवन अपने पदार्थों का निषेध कर देते हैं, लुढ़का के नहीं ले जाते, तो वहां पर जमा होने लगता है। जमा होगा तो इस तरह होगा कि जल की ओर ढाल तीव्र होगा और बाहर की ओर ढाल कम होगा, और इसका आकृति चंद्राकार हो जाता है। जब किसी जलाशय के चारों ओर या एक दिशा में पदार्थों का जमा हो जाता है तो टीला बन जाता है, टीले का अगला भाग चंद्राकार, या यूं कहें इसकी दो सींगे, सींग नुमा आकृति बन जाती है, तो उसे बरखान के नाम से जाना जाता है। इस तरह जैसे बिच्छू का अगला भाग होता है, दो हाथे से आगे होते हैं बिच्छू के, उसे बिच्छू के दो, या जैसे बैल का सींग होता है, इसलिए इसे सींग नुमा स्तूप या बरखान के नाम से जाना जाता है। अंतरस्थ जब पौने अपने पदार्थों को उड़ा के ले जाती है तो अपनी दिशा में नहीं बल्कि अपने दिशा के विपरीत दिशा में, समकोण की स्थिति, पवन इधर से आ रही है तो समकोण की स्थिति में पवन अपने पदार्थों का निषेध करती है, इस तरह टीले बन जाते हैं। समकोण की स्थिति में वायु की दिशा के समकोण की स्थिति में जब टीलों का जमाव हो जाता है लंबाई में, तो उसे अनुप्रस्थ स्थिति। वह स्तूप जो पवनों की दिशाओं में लंबाई में होते हैं, पवन इधर से आ रहे हैं इधर की लंबाई में होते हैं, यहाँ एक था बृहद था, यहाँ पर कई टीले बन जाते हैं, बीच से निचला भूभाग है और टीले जगह जगह के पाए जाते हैं, तो इस तरह के स्तूपों को अनुदय स्तूप या पवनमुखी स्तूप के नाम से जाना जाता है। लुटेन जब किसी वनस्पति के चारों ओर, किसी जल के चारों ओर छोटे छोटे टीले बन जाते हैं, कहीं छोटी झाड़ी है, कहीं छोटा सा जलाशय पाया जाता है, तो जगह जगह छोटे छोटे टीले पाए जाते हैं, यहाँ बड़ा पाया जाता है, यहाँ छोटे छोटे टीले पाए जाते हैं, तो उन छोटे छोटे टीलों को निषेध के कारण होने के कारण उन्हें लुटेन कहते हैं। जब किसी बड़ी चट्टान के सहारे बृहद मात्रा में निक्षेप पाया जाता है तो उसे
नेभखा कहते हैं, और कभी कभी कोने चलते चलते थक जाती हैं, उनका वेग कम हो जाता है तो अपने पदार्थों को जमा करने लगती है। विशेष करके मंगोलिया में इस तरह के जमा देखे जाते हैं। तो उस तरह के मैदान को संप्राय मैदान कहा जाता है, या इसे लोयस के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। हम आशा करते हैं कि पवन के द्वारा जो भी कार्य है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।